शौहर ऑफिस से घर आते ही सीधा खाने की टेबल पर बैठ गया और बीवी को बोला, जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ, बहुत भूख लगी है। बीवी ने कहा, आप बैठे मैं लाती हूँ, और वो खाना लेने किचन में चली गई। शौहर ने पीछे से आवाज़ लगाई, बेगम जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। बेगम जल्दी से खाना लाई और टेबल पर रख दिया। शौहर ने पूछा, बेगम क्या बनाया है? तो बीवी बोली, दाल और चावल बनाए हैं। ये सुनते ही शौहर बोला, सारी भूख ही ख़त्म कर दी, कुछ अच्छा नहीं बना सकती? जब आओ कुछ ना कुछ ऐसा बनाया होता है कि सुनते ही भूख उड़ जाती है। मुझे नहीं खाना, जाओ ले जाओ। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शौहर उठा और दरवाज़ा खोला तो एक फ़कीर खड़ा था। खाने के लिए कुछ दे दो। शौहर वापस मुड़ा और वही खाना जो उसकी बीवी ने उसे दिया था सारा उठाया और फ़कीर को दे दिया। फ़कीर खाना देखते ही खुश हो गया और उसके हाथ से खाना लेते ही वहीं ज़मीन पर बैठ गया और पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ा। वो शख्स खड़ा उसे देखता रहा। जब फ़कीर खाना खा चुका तो उसको दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया और वो खड़ा हैरानी से फ़कीर को देखता रहा कि जिस खाने को वो बुरा कह रहा था किसी के लिए कितनी खुशी का बायस बना है। अगर हम देखें तो अक्सर घरों में ऐसा ही होता है, वो रब जिसे चाहे जो अता करे और जब चाहे वापस ले ले, कभी भी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। जब हम ये पूछ रहे होते हैं आज खाने में क्या बना है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि आज खाने में कुछ है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी।